बच्चों सबसे पहले समझते हैं रिटन ऑफ का मीनिंग क्या है। रिटन ऑफ का मीनिंग होता है बुक में से हटा देना, अकाउंट्स की बुक में से किसी आइटम को हटा देना, रिटन ऑफ बोला जाता है। अब रिटन ऑफ हम करेंगे क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई 5,000 की इनकम आने वाली थी, उसको अभी मैंने अक्रूड माना हुआ था, मुझे लग रहा था कि फ्यूचर में कभी ना कभी ये मुझे इनकम मिल जाएगी, लेकिन काफी वेट करने के बाद अब मुझे कंफर्म हो गया है कि ये इनकम मुझे अब फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलने वाली है। इसको रिकॉर्ड रखने का बुक्स के अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं है। अकाउंट्स के प्रोविजंस ये कहते हैं इस तरह की इनकम को, इस तरह की इनकम जो हमें फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलने वाली है, उनको बुक से हटा देना चाहिए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं राइट ऑफ करना, यानी कि रिटर्न ऑफ करना। सब्सक्रिप्शन एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। अब हमें कुछ ऐसा पता चल रहा है कि कुछ इनकम हमें फ्यूचर में, यानी कि कुछ सब्सक्रिप्शन हमें फ्यूचर में नहीं मिलेगी, तो इस तरह की सब्सक्रिप्शन को हमें राइट ऑफ करना है, अपनी बुक्स में से हटाना है। तो इसी को बोला जाता है सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कहता है कि लास्ट ईयर कुछ सब्सक्रिप्शन आनी थी, उसमें से कुछ सब्सक्रिप्शन आ गई है और बाकी सब्सक्रिप्शन जो है अब नहीं आएगी, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन में गिवन है। बच्चों अब समझते हैं सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ को हम प्रैक्टिकली कैसे ट्रीट करेंगे। जब आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ का आइटम्स गिवन होता है और हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ के अमाउंट को डील करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही हमें इस पूरे वीडियो लेक्चर में समझना है। ओके, समझते हैं एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ का जो अमाउंट है, डाटा है, आपको क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा। इसके लिए अज्यूम कर लेते हैं, अभी चल रहा है 2020-21, लास्ट ईयर था 2019-20 और फ्यूचर ईयर है 2021-22। आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है वो बनाना है 2020-21 का। ओके, अब हुआ क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अज्यूम कर लेते हैं कि 100 मेंबर्स हैं और हर एक बंदा 200 रुपीज पे कर रहा है, तो कितना हो गया 20,000। यानी कि ईच ईयर हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिलेगा, 20,000 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 20,000 मिलना चाहिए। अब सिचुएशन क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अभी लास्ट ईयर 20,000 कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, टोटल सब्सक्रिप्शन हमें आना चाहिए 20,000। ओके, अब इसमें से हुआ क्या है, जो 20 मेंबर्स हैं, या फिर अज्यूम कर लेते हैं, ओके 20 मेंबर्स ही अज्यूम कर लेते हैं, 20 मेंबर्स हैं, उन्होंने सब्सक्रिप्शन पे नहीं की लास्ट ईयर, तो टोटल कितना अमाउंट नहीं आया, 20 मेंबर्स ने 4,000 का अमाउंट नहीं आया, ये हमारा हो गया accrued सब्सक्रिप्शन या फिर outstanding सब्सक्रिप्शन। अब लास्ट ईयर दो एंट्री हुई होंगी, फर्स्ट एंट्री अकाउंटेंट ने की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एक्चुअल में जितना अमाउंट आ गया है 16,000 अमाउंट आया होगा, क्योंकि 80 मेंबर्स ने पेमेंट कर दी है। ओके, डन। नेक्स्ट जो एंट्री हुई होगी वो हुई होगी 4,000 की, और ये आउटस्टैंडिंग हो गया, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारा एसेट है, हमें एक एसेट क्रिएट करना होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये आपको पता ही है कि आपकी इनकम हो गई है, आपने इसको इनकम भी माना है, यानी कि रेवेन्यू भी माना है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट, और ये आपका एसेट है, ये आपका एसेट है और एसेट भी इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री आपने की होगी 4,000 के अमाउंट की। ओके, इस एंट्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये जो एंट्री है
ये जो एंट्री है ये ठीक हुई है और लास्ट ईयर ये एंट्री होगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जो आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है वो है ये वाला पोर्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये एंट्री आपने की थी। ओके, अब इसमें से जब पैसा आएगा हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं कि अभी स्टार्ट हो गया 2000, ये क्लोज हो गया लास्ट ईयर, अभी स्टार्ट हो गया 2020-21 स्टार्ट हो गया। अब इस 4000 में से क्वेश्चन कह रहा है कि आपको थोड़ा बहुत मिल गया है, तो जब आपको अमाउंट मिलेगा फिर आप एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कुछ पैसा मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कितना मिला, आपको मिल गया 1500 रुपीज मिल गया। ओके जी, 1500 मिल गया। अभी कितना और रहता है आउटस्टैंडिंग, तो 4000 में से आप 1500 हटा दोगे, कितना बचा, 2500 रुपए और बचा हुआ है, 2500 रुपए अभी और बचा हुआ है। अब इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ 2500 500 विल नॉट रिसीव्ड एवर इन फ्यूचर, यानी कि ये जो 500 है कभी भी नहीं मिलेगा और इसको आप राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ करना है इसको, यानी कि स्टिल अभी हमें 2000 का होप है, 500 का कोई भी होप नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने एंट्री करनी है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ की। तो अब ये जो है पोर्शन, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, इस 4000 में से 1500 सेटल हो गया, अभी यहाँ पे 2500 बचा हुआ है, इस जगह पर 2500 बचा हुआ है। अब इस 2500 में से 500 को हमें राइट ऑफ करना है और वो 500 इसी अकाउंट के अंदर अभी है, तो क्या एंट्री करेंगे, अब हमने एंट्री करनी है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, हमारा लॉस हो गया और लॉस, ऑल लॉसेस आर डेबिट, सारे के सारे लॉसेस डेबिट हो जाते हैं, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये एंट्री हमने कर दी कितने रुपए से, 500 से। अगर आप इस और इसको मैच करेंगे तो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 500 से कैंसिल आउट हो गया, तो अब यहां पर एक एंट्री निकल के आ रही है और वो एंट्री बन रही है, आप देखेंगे ध्यान से, ये जो एंट्री बन रही है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ को लिख देंगे किधर की साइड, क्रेडिट साइड। तो इन एंट्रीज के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ आ जाता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, क्रेडिट साइड आपको लिखना है। उसके बाद अब इसको हमें बुक से हटा देना है, तो लास्ट जो फाइनल अकाउंट बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है बिजनेस फॉर्म के अंदर, लेकिन यहां पर उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि हम पीएनएल नहीं बना सकते, उसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, वो सारे के सारे जो लॉसेस हैं वो डेबिट हो जाते हैं, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ये वाले पोर्शन को, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ को। तो एंट्री हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ कितने रुपए से, 500 रुपीज से, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का अमाउंट जो है वो आ जाएगा डेबिट साइड। लेकिन अभी हमें यहां पर इतना नहीं करना है, हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। ये तो एंट्रीज हो गई। ओके, तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आता है, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का जो अमाउंट होगा उसको हम राइट ऑफ कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट डाल के। यही एंट्रीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, ये एंट्री यहां पर, ये वाली जो एंट्री है ये सेटल हो गई है, इससे कोई इश्यू नहीं है। लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग था वो एंट्री हमने ये कर दी थी, उसके बाद पता चला कि कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में से कुछ नहीं आएगा, तो फिर हमने ये एंट्री कर दी सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। उसके बाद ये जो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ है उसको हमने कहां पे डाल दिया,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट। और ये जो एंट्री है, ये और ये, इसके अंदर से एक एंट्री बन रही है जिसमें हो जाएगा सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यही मैंने यहां पर आपको समझाया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अंडरस्टूड? ये क्लैरिटी हो गई आपको कैसे हम एंट्री करेंगे? बच्चों अब समझते हैं, जब आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ गिवन हो तो सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करना है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। तो जितने भी मेथड हैं उनको मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो मेथड है कि आप जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें से ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच का डाटा निकाल लें, और जो आपकी टेबल है फाइव आइटम्स की, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच की टेबल अलग होगी और एज एट 31 मार्च की टेबल अलग होगी। तो अगर आप दोनों मेथड से हो जाएगा क्वेश्चन, ये वैसे तो थ्री मेथड्स हैं, ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच की टेबल अगर आपने लर्न की हुई है तो उससे हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसके अंदर से ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच का डाटा एक्सट्रैक्ट करके आपको ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच की टेबल में लिखना है। फिर आप इसी टेबल को एज एट 31 मार्च के अकॉर्डिंग बना सकते हैं और इस टेबल में से एज एट 31 मार्च का डाटा निकाल के उस टेबल में डाल सकते हैं। और लास्ट मेथड है बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के सॉल्व करना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि ये जो दोनों मेथड हैं बिल्कुल सिमिलर हैं। इस मेथड में हम टेबल से करते हैं सेम डाटा, और इस मेथड में हम अकाउंट बना के करते हैं, दोनों में सेम डाटा यूज होता है। तो इसमें से कोई भी एक मेथड अगर आपको यूज करना है तो मैं प्रेफर करूंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट से। आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो दो ही मेथड आप समझें, इसको आप अभी रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ज्यादा मेथड, ज्यादा दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी हम दो मेथड पे फोकस करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच का डाटा अगर क्वेश्चन में से निकाल रहे हैं तो आप टेबल बना के कर लें, ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच के अकॉर्डिंग टेबल बना लें, या फिर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लें और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो डाटा आएगा वो आएगा एज एट 31 मार्च का। कौन सा डाटा आएगा? एज एट 31 मार्च का डाटा इसके अंदर आएगा। तो हम दो ही मेथड से सीखेंगे, एक टेबल से जो कि ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से बनी हुई है, और एक हम सीखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो डाटा आएगा वो आएगा एज एट 31 मार्च का। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच की टेबल क्या कहती है। तो ये मैंने ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच की एक टेबल बनाई हुई है। तो सबसे पहले इसमें आपने करना क्या है, आपके पास जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो मैं फटाफट से ठीक कर देता हूं। तो जो आपको डाटा मिला है सब्सक्रिप्शन का ड्यूरिंग द ईयर, उसको टॉप पे लिख दें। तो ये आपने लिख दिया यहां टॉप पे, ओके। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपको कैलकुलेट करनी है इसी, ये वाला जो पोर्शन है यही पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करेंगे, यही आपको सीखना है। अगर आपको एज एट 31 मार्च की आउटस्टैंडिंग दी हुई है तो उसके अंदर से डाटा आपको निकालना है ड्यूरिंग द ईयर का और इसमें एडअप कर देना है। ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर यही टॉपिक है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला है, एडवांस सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ करेंट ईयर लेना है। फॉर एग्जाम्पल 2020-21 चल रहा है, लास्ट ईयर हो जाएगा 2019-20, और 2019-20 में आपको 6000 रुपए 2020-21 का मिला हुआ, यानी कि इस साल का मिला हुआ है, तो 6000 रुपए को प्लस करना है। एक और सिचुएशन हो सकती है कि लास्ट ईयर आपको 8000 मिला जिसमें से 6000 इस साल का था और 2000 आगे वाले ईयर का था, यानी कि 2021-22 का। अगर आपको केवल जो एडवांस मिला है वो नेक्स्ट ईयर का, यानी कि करंट ईयर का है, तो सीधा उसको 6000 को प्लस कर दो। और मैंने 8000 आपको जो अमाउंट बताया है उसमें 6000 इस ईयर का है और 2000 उससे भी नेक्स्ट ईयर का है, तो आपको ओनली 6000 ही लेना है। एक और एग्जांपल से समझ लो, मान लेते हैं 10000 आपको मिला है लास्ट ईयर, और 10000 में से 2000 रुपीज
2021-22 का है और 8000 2020-21 का है, तो आपको 8000 इस टेबल में लेना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि लास्ट ईयर आपको जितना एडवांस मिला है उस एडवांस में से इस साल करंट ईयर का जितना एडवांस है उसको इस टेबल में आपको लिखना है, और फ्यूचर ईयर का भी एडवांस आपको मिला हुआ तो उसको नहीं लेना। मोस्टली क्वेश्चंस में यही होता है कि लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला होता है वो करंट ईयर का ही होता है, तो हम सीधा करंट ईयर का ले लेते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिसमें लास्ट ईयर जो एडवांस मिला है उसमें 2020-21 का भी अमाउंट, 2021-22 का भी अमाउंट इंक्लूड है, तो उसको आपको हटाना है। आपको केवल एडवांस लास्ट ईयर का उतना लेना है जितना करंट ईयर का है। अंडरस्टूड? तो ये समझ आ गया आपको। तो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ द करंट ईयर। अब आपको लेस क्या करना है, इस साल जो आपको एडवांस मिला आउटस्टैंडिंग, ओके ये लेस करना है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, ये तो सीधा आपको माइनस कर देना, ये आपको पता ही है। और उसके बाद आपको लेस करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, यानी कि जितना आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर उसमें से जितना आपको इस साल मिला है उतना आपको माइनस करना है, पिछला पूरा आउटस्टैंडिंग माइनस नहीं करना आपने। जैसे मान लेते हैं लास्ट ईयर आपका 8000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से आपको 6000 इस ईयर मिला है, तो आपको आपने 6000 लेना है, यानी कि जितना आउटस्टैंडिंग था उसमें से जितना मिला उतना लेना है, ये ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच कहता है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ड्यूरिंग द ईयर फॉर द year ended और at the end, तीनों statement का meaning same होता है। अगर question में लिखा है for the year ended rupees 2000, at the end rupees 2000 और during the year rupees 2000, तीनों statement same है, यानी कि वो सारा का सारा during the year approach ही आप माने। तो during the year approach में एक तो ये वाला जो item है इस पे आपको focus करना है, ये calculate करना है हमें, यही important है, सबसे ज्यादा weightage इसी का ही है। उसके बाद आपको इस पर ध्यान देना है कि last year कितना outstanding था उसमें से इस साल कितना मिला वही amount लेना है। उसके बाद एडवांस में कोई इशू नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये वाला अमाउंट है, सेकंड प्रायोरिटी आपका ये वाला अमाउंट है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ये सीधा हो जाएगा। और थोड़ा बहुत लास्ट आपको इस पे फोकस करना है कि ऐसा तो नहीं है कि लास्ट जो आपको एडवांस मिला है उसमें इस साल का भी है और उससे अगले साल का भी है, तो आपको केवल उस अमाउंट में से इस ईयर का ही अमाउंट निकालना है, फिर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो आंसर आपका जो आएगा सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इतना आ जाएगा, इसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेना है। अंडरस्टूड? अब सीखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट से। सब्सक्रिप्शन अकाउंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे ज्यादा आसान है, कुछ नहीं करना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जैसे आपने समझा हुआ है पहले, आपको जैसे आता है, मैंने जो वीडियो लेक्चर बनाया उसमें मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी समझाया हुआ है, यानी कि वो वन स्टॉप वीडियो है, वो आपने वीडियो लेक्चर देख लिया सब्सक्रिप्शन का, जिसमें मैंने बेसिक टू एडवांस सबको समझाया हुआ है, आपके सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको पहले आप जरूर देखें। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाएंगे, ओके शुरू का एडवांस यानी कि लास्ट ईयर का एडवांस आपको इधर लिखने लाए, आउटस्टैंडिंग फिर इसका अपोजिट कर देना है, और ये इसका अपोजिट एडवांस, और बाय बैंक जितना सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, और सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ इधर क्रेडिट साइड आ जाएगा, आपको समझाया हुआ था, अभी समझाया मैंने आपको, ये देखो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो ये सब्सक्रिप्शन हमारा इधर आ गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे के सारे आइटम्स को एडजस्ट करोगे तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को कैसे याद करोगे। लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला है, इनकम एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी नेचर है, तो इधर आ गया। पिछले साल जो आने से रहेगी इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट होता है, इधर आ जाएगा। बस आपने लिखा, फिर इस साल का जो क्लोजिंग एडवांस होगा उसको अपोजिट करना है क्योंकि ये सीडी है, तो ये ऐसे एडवांस ऐसे क्रॉस हो जाएगा, ऐसे एडवांस क्रॉस और ये आउटस्टैंडिंग ऐसे क्रॉस, ठीक है हो गया। उसके बाद बैंक अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये एंट्री आ गई,
ओके, सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ मैंने समझा ही दिया, बस आपको 1, 2, 3, 4 आइटम्स में से 2 आइटम्स माइनस करने हैं, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट आ जाएगा सिंपल। लेकिन यहां पर जो आपको डाटा लेना है वो लेना है एज एट 31 मार्च का डाटा, एज एट 31 मार्च का डाटा यहां पर चलेगा। Understood? During the year approach का डाटा नहीं चलेगा, उसमें हमने कुछ अमाउंट्स अलग लिए हैं, यहाँ पे सारा के सारा आपको एज एट 31 मार्च लेना है। और अगर आपको डिफरेंस नहीं पता ड्यूरिंग द ईयर और एज एट 31 मार्च में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो लेक्चर देख लो, कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक के बारे में। ओके तो ये टॉपिक हो गया, किसी भी एक मेथड से करना है। मैंने बीच वाले जो मेथड था एज एट 31 मार्च टेबल बना के, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया है। 2 मेथड से करें, टेबल से करना है तो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से करें, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट से करना है तो एज एट 31 मार्च से करें। ओके जी, अब करते हैं हम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है 2020-21 का जो TS ग्रेवाल के जो पेपर्स दिए हुए हैं सैंपल पेपर्स, उसमें से एक क्वेश्चन है ये, और ये थोड़ा बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले कुछ आसान क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये देखो जी, ये इलस्ट्रेशन 15 TS ग्रेवाल का जो 2020 की बुक है, 2020 एडिशन, ये क्वेश्चन हम करते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें किस ईयर का करना है। तो ये जो हमारा बनाना है हमें, वो बनाना है 2019-20 और 2020-21 हमारा फ्यूचर ईयर हो गया, 2018-19 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। तो हमें 2019-20 का बनाना है। तो जब आपको डाटा गिवन है 31 मार्च 2019, तो ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर का डाटा। और अगर आपको डाटा गिवन है 31 मार्च 2020 का, ये करंट ईयर का डाटा गिवन है। और अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 31 मार्च 2020-21 का आपको एडवांस मिल गया है, तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर ईयर। तो हमें जो बनाना है, ये हमारा करंट ईयर हो गया 2020। ओके, लिखा भी हुआ है यहाँ पर 2020, 31 मार्च 2020। अब आपको टेबल कैसे बनानी है, तो मैं इसको सबसे पहले सॉल्व करूंगा ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से। मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट केस, ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच। तो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच में क्या करते हैं सबसे पहले, ओके मैं छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं आपके लिए, ये मैंने ऐसे बना दिया, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं और ले लेते हैं यहां पर अब ब्लू, ब्लू तो चल ही रहा था, रेड ले लें, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन नहीं रेड से करते हैं, ग्रीन से करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को टॉप पे लिख देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है जी, 3,50,000। तो ये मैंने लिख दिया 3,50,000। ओके, अब टेबल देखते हैं एक बार। टेबल में पहला आइटम है फर्स्ट, जो हमारी प्रायोरिटी है ये जो 1, इसको हम सबसे लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। जो सबसे आसान है, जिसमें प्रायोरिटी सबसे कम है, वो हम ले लेते हैं। तो सबसे कम जो प्रायोरिटी है वो एडवांसेस में है, तो सबसे आसान जो आइटम है वो है लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, ये सबसे आसान वाला टॉपिक है, तो इसको सबसे पहले ले लेते हैं। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर द फ्यूचर ईयर,
ये गया जी अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020-21। अभी मैंने आपको बताया है 2020-21 फ्यूचर ईयर हो गया और ये आपको यहाँ पे एडवांस मिला हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोस, ये 20,000 आपको पिछले साल का मिला है जो रह गया था आने से, ये 30,000 आपको फ्यूचर ईयर का मिल गया। तो सबसे पहले मैं इसी अमाउंट को ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आसान यही वाला अमाउंट है, ये सीधा दिया होता है, इसको हमें लेस करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूं लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर फ्यूचर ईयर। कितना अमाउंट था? 30,000 अमाउंट है, ये हमारा हो जाएगा लेस। ओके जी, ब्रैकेट में डाल दिया। अब नेक्स्ट मोस्ट, जो सेकंड मोस्ट आसान जो आइटम है हमारा वो है ये वाला थर्ड, एडवांस एड एडवांस सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ करंट ईयर। कहने का मीनिंग है कि लास्ट ईयर आपको जो एडवांस मिला है करंट ईयर का वो देख लेते हैं, पिछले साल आपको एडवांस मिला होगा कुछ। ओके, तो लास्ट ईयर हमारा चलेगा, लास्ट ईयर चलेगा 31 मार्च 2019। क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज एट 31 मार्च 2019 वास ₹35,000, यानी कि ये एज एट 31 मार्च का डाटा दिया हुआ है, आउट ऑफ विच ₹5,000 वाज नॉट रिसीवेबल। क्वेश्चन में कह रहा है कि 35,000 आने थे उसमें से 20,000 हमें इस साल आ गए हैं, 5,000 कभी भी नहीं आएंगे, इसकी हम ट्रीटमेंट सीखेंगे अभी। ऑन दैट डेट यानी कि 31 मार्च 2019 दिस डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि लास्ट ईयर आपको एडवांस मिला था इस साल का ओनली, जो कि कितना है 20,000। इसको मैंने आपको क्या बताया था, इसको हमें ऐड करना है क्योंकि ये इसी साल को बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं ऐड। ये मैंने कर दिया जी ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, इसमें अगले से अगले साल का कुछ भी नहीं था, तो ये हमें टोटल कितना अमाउंट था 20,000 कह रहा है क्वेश्चन में, 20,000 ये वाला जो अमाउंट है 20,000, तो ये हमने ले लिया 20,000, इस साल को ही बिलोंग करता है, इसको हमें ऐड करना है। ओके, अब जो थर्ड मोस्ट जो हमारा आसान आइटम है वो है ये वाला थर्ड मोस्ट, ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ करेंट ईयर। सॉरी, ये दो आइटम हो गए, सेकंड ये वाला आइटम ये लेना है, ये वाला आइटम लेना है, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। ओके, अब ये अमाउंट हमें यहां से ढूंढना है जी। पिछले साल जितना आउटस्टैंडिंग था उसमें से इस साल जितना मिला है, तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था 35,000, उसमें से इस साल हमें कितना मिला है 20,000। ओके जी, तो ये 20,000 हमें यहां पर लेना है, तो 20,000 हम कर देंगे माइनस, क्योंकि 20,000 ये हमें माइनस करना है, लेस सब्सक्रिप्शन outstanding of previous year received in current year, कितना था 20,000, तो 20,000 ये हमें माइनस करना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम जो हमें एड करना है वो है एड outstanding subscription during the year, ये हमें अब कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल आउटस्टैंडिंग इस साल की कितनी है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस साल की, इसको मैं यहां से सेपरेट कर लेता हूं, थोड़ा सा लाइन डाल लेता हूं, हाँ जी, इस साल की जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग
एज एट 31 मार्च 2020, ये एज एट का डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एज एट 31 मार्च 2020 को आपकी कितनी आउटस्टैंडिंग थी 60,000। तो एज एट 31 मार्च 2020 का मीनिंग ये होता है कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग जब से आप बिजनेस चला रहे हो और इस डेट तक की टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी 60,000 है। तो इसका मीनिंग ये है, लेकिन हमें ओनली लेनी है करंट ईयर की, और 60,000 में हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का भी कुछ अमाउंट प्लस हो, वो हमें हटाना पड़ेगा। अब प्रीवियस ईयर का कितना आने से रह गया है वो भी इस 60,000 में इंक्लूड है और उसको हमें हटाना है। अब ये हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं लास्ट ईयर एज एट का डाटा कितना था 35,000। ओके, इस 35,000 में से कितना हमें मिल गया इस ईयर 20,000। इस 20,000 को हम हटा देते हैं, इतना हमें आ गया, और हमें कितना आना था 15,000। 15,000 में से क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो 5,000 है ये अब कभी भी नहीं आएगा, ये रिटर्न ऑफ हो गया, तो कितना बचा 10,000। तो जब आपने एज एट 31 मार्च 2020 की आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट की होंगी तो ये जो 10,000 है इस 60,000 में प्लस कर दिया होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि ये 60,000 है, 50,000 प्लस 10,000, तो ये जो 10,000 है आपको इस 60,000 में से हटाना पड़ेगा। अब ये अमाउंट आ गया हमारा ड्यूरिंग द ईयर का 50,000, ये अमाउंट आपको लेना है। अंडरस्टूड? समझ नहीं आया तो मेरा वीडियो लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार देख लो, सबको समझ आ जाएगा। अब ये 50,000 हमें यहां लेना है और इसको करना है एड प्लस। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया जी, प्लस प्लस 30, 30 और 20, 50 और ये 70 पॉजिटिव और 50 नेगेटिव, तो 20,000 आ रहा है फाइनल इंपैक्ट। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3,70,000 सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अमाउंट आ गया 3,70,000 किस अप्रोच से, ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से। ओके, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के थोड़ा आसान होता है, आपको सारे के सारा डाटा एज एट 31 मार्च का लेना है इसके अंदर, और बस केवल अकाउंट के अंदर डाल दो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक बार बना लेते हैं, फिर वहां से डाटा लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं जी, ये लो जी फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से छोटा सा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना तो आता ही होगा आपको, ये भी नहीं आता जी, चलो ये भी सिखा देंगे इसी वीडियो में। ये लो जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखा जी हमने, भाई ये सारा कुछ है सेम, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीस। ओके, लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला था, इनकम एडवांस लाइबिलिटी होती है, उसका नेचर लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड लिख दो। यहां लिखना है जी ओके ब्लू बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये हो जाएगा बिगनिंग का बी लिख देते हैं ओनली। इधर आ जाएगा लास्ट ईयर जो आने से रह गया था वो हमारा एसेट है, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट होता है, उसका नेचर एसेट है, तो आपने डेबिट किया होगा तो उसका जब अकाउंट बना होगा तो उसका जो बीडी है वो डेबिट आर सीडी क्रेडिट आ रहा होगा, तो बीडी डेबिट, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि इनकम एसेट है, एसेट नेचर होता है और एसेट का नेचर होता है हमेशा डेबिट, तो डेबिट साइड लिख दो, ये हो जाएगा जी बिगनिंग। उसके बाद जो आपको एक्चुअल में जो पैसा मिला है टोटल, बैंक अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये लिख दिया जी।
उसके बाद मैंने आपको बताया ही था सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ क्या एंट्री होती है, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये पीछे अभी लेक्चर में बताया है, बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट हो गया। उसके बाद अपोजिट कर देना है बस, एंड का ये आउटस्टैंडिंग ये अपोजिट हो जाएगा यहां पर, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड और एडवांस, ये इधर आ जाएगा जी, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये हो जाएगा जी एंड। यहां पर आपका अब अमाउंट आ जाएगा, इसको मैं रेड से लिख देता हूं, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है आपकी, ये आंसर आ जाएगा। आप बारी बारी से डाटा लेते हैं, पहले ये दोनों डाटा ले लेते हैं और आपको जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है उसके अंदर जो आप डाटा पुट करेंगे वो करेंगे एज एट 31st March के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? आपको जो सारा डाटा लेना है वो लेना है एज एट 31st March, ड्यूरिंग द ईयर का नहीं लेना है, एज एट 31st March ड्यूरिंग द ईयर का नहीं लेना है। ओके, तो सबसे पहले लास्ट ईयर के डाटा ले लेते हैं, पिछले साल का एडवांस, ये वाला अमाउंट हम लेंगे पहले, पिछले साल का एडवांस कितना था, पिछले साल जो हमें एडवांस मिला था वो ये गया 20,000, तो यहां लिख दो जो 20,000। ओके, लास्ट ईयर जो आपको, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर इसमें ये जो 20,000 लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला है, अगर इसके अंदर फ्यूचर ईयर का भी होता तो वो सारा के सारा ले लेते हम, मतलब जितना टोटल आपको एडवांस मिला था, जितना टोटल आपको एडवांस मिला सारा ले लेते हैं। अभी 20,000 ही है। अब नेक्स्ट था लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था, लास्ट ईयर जो टोटल आउटस्टैंडिंग था वो था 35,000, तो 35,000 इधर आ जाएगा इस जगह पर। आपको टोटल कितना मिला है, ये टोटल मिला हुआ है आपको 3,50,000, यहां पे लिख दो जी 3,50,000। अब बात आ गई सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ की, कितनी सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हो रही है, 5,000 को आपने यहां लिख देना है। अब आपको इस साल का एडवांस चाहिए, इस साल का एडवांस देख लेते हैं आपको कितना मिला है, ये गया 30,000 आपको एडवांस मिला हुआ था, तो ये मैंने ले लिया यहां पर, ये एडवांस 30,000, और इस साल का आउटस्टैंडिंग लेना है जी, इस साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल का टोटल आउटस्टैंडिंग है 60,000, ये 60,000 हमने यहां पर लिख लिया, सारा के सारा डाटा एज एट 31st March का है। अब आपने बस टोटल करना है, ये कितना हो गया जी, ये हो जाएगा जी 25, ये 30 और 35, ये हो जाएंगे जी 65, और यहाँ ये जो 65 है कैंसिल आउट हो गया, ये सारा 65 ही है, ये कैंसिल आउट हो गया, इतना बचा 370 आंसर आ गया, 370 आंसर आ गया, सेम आंसर आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं, ये TS ग्रेवल 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 3 है और सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ से ही रिलेटेड है। देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड हमारा वही फर्स्ट केस ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच, फिर उसके बाद इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी हम सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, टेबल बना लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच के लिए, टेबल बन गए।
अब इसमें हमें आइटम्स देखने हैं। सबसे पहला आइटम हमारा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, 31 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर रुपीज 2,10,000। 2,10,000 लिख लिया गया। उसके बाद एडवांस ले लेते हैं। एडवांस थोड़े आसान होते हैं। सबसे आसान जो आइटम है वो आइटम है एडवांस। इसको हमें ऐड करना होता है एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर ऑफ करंट ईयर। इस अमाउंट को लेते हैं। ईयर हमारा चल रहा है इन द ईयर 31 मार्च 2020, यानी कि हम 1920 का बना रहे हैं। अब हम लास्ट ईयर देखते हैं हमें कितना एडवांस मिला है। ओके, लास्ट ईयर जो हमें एडवांस मिला है वो मिला है 13,000। और इसमें हमें ये देखना है, ये जो एडवांस मिला है ऐसा तो नहीं है कि इसमें 2020 और 2021 का भी अमाउंट इंक्लूड हो, ये भी हमें चेक करना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये 13,000 2020 और 2021 का है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे ओनली ये 2020 का ही होगा। तो हमें अमाउंट ही वो लेना है एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर ऑफ ओनली करेंट ईयर, ऑफ ओनली करेंट ईयर लेना है। तो कितना अमाउंट था वो 30,000 था। ये 13,000 हमें क्या कर देना है, एड अप कर देना है, क्योंकि ये इस ईयर को ही बिलोंग कर रहा है। अब आपको लेना है लेस एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर ऑफ फ्यूचर ईयर। अब आपको जो एडवांस मिला है वो लेना है, ये जो एडवांस है ये जो ईयर में, यानी कि इस साल जो आपको एडवांस मिला है वो 11,000 मिला है, और 11,000 को हम माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा जी हमारा 11,000 माइनस। अब आपको लेना है लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि जितना टोटल आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर। कितना टोटल आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर, 20,000, लेकिन उसमें से मिला कितना है 6,000। तो आपको ओनली 6,000 लेना है जितना मिला है, यही कॉन्सेप्ट है। तो 6,000 आप माइनस कर देंगे। अब आपको कैलकुलेट करना है, यही इंपॉर्टेंट आइटम है इसके अंदर, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग करेंट ईयर। केवल और केवल ओनली एंड ओनली जो आउटस्टैंडिंग है जो सिर्फ करंट ईयर को बिलोंग करती है उसको लेना है आपको, और ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहां हम थोड़ा सा को सेपरेट कर लेते हैं, और अब देखते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है, 18,000। ये आपको डाटा दिया हुआ है 31 मार्च का, एज एट 31 मार्च 2020 को जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो है 18,000। और जब हम एज एट 31 मार्च की बात करते हैं तो ये इसमें होता है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, यानी कि इसमें करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है और पिछला साल कुछ आना रह गया था वो भी इसके अंदर आउटस्टैंडिंग होता हो सकता है। अब ये प्रीवियस ईयर का जिसमें जितना इंक्लूड है वो हमें हटाना है। अब वो हम कैसे हटाएंगे के लिए देखते हैं जी। तो सबसे पहले हमें देखना है लास्ट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग था। लास्ट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग था, 20,000। इसको हम यहां ऐसे करके, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 20,000, उसमें से कितना मिल गया 6,000, ये अमाउंट दिया हुआ है। कितना बचा
14,000, इस 14,000 में से 4,000 कभी भी नहीं आएगा, हटा दो इसको, 10,000, यानी कि 10,000 लास्ट ईयर का भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है जो कि 18,000 में इंक्लूड है। तो इसका मीनिंग ये है 10,000 प्लस 8,000, तो 18,000 में से आप 10,000 हटा दो जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो बचा कितना 8,000। ये जो 8,000 है केवल 1920 का आउटस्टैंडिंग है, इसको लेना है हमें और इसको हमें एड अप करना है। वो कितना हो जाएगा, प्लस 8,000, तो ये हो गया जी 13 और 8 21 और ये 17 और कितना बन गया 4,000 फाइनल अमाउंट आ रहा है। तो ये हो जाएगा जी हमारा 2,14,000, ये हमारा है माउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये वाला जो अमाउंट है ये जाएगा कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आंसर आपका आ गया 2,14,000। अभी इसी क्वेश्चन को हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट से करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट से करने के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना मैं पहले ही बता चुका हूं, तो हम अब सीधा इसमें आइटम्स ही लेंगे। ये बना दिया जी हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और ऊपर लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहां पे लेना है बाय एडवांस और ये जो डाटा आएगा यहां पर वो आएगा एज एट 31 मार्च का, बाय एडवांस बिगनिंग टू आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, यहां आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, इधर आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ, इधर आ जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग एंड यहां आ जाएगा टू एडवांस एंड, और ये हमारी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है, यही अमाउंट हमें चाहिए। ओके, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टार्टिंग, और ये सारे के सारा डाटा एज एट 31 मार्च का लेना है, तो एज एट 31 मार्च का आपको डाटा गिवेन ही है। तो सबसे पहले तो एडवांस लास्ट ईयर का, ये जो दोनों डाटा हैं ये ले लेते हैं, ये गए जी, ये हमारा डाटा दोनों, ये वाला और ये वाला, ये स्टार्टिंग है, ये एडवांस है, ये वाला एडवांस है और ये एरियर है। तो 13 और 20, 13,000 और 20,000। ओके, ये आ जाएगा 13,000 और ये आ जाएगा जी 20,000। ओके जी, लास्ट ईयर का अमाउंट भी आपको सीधा गिवन है, ये अमाउंट आपको गिवन है सीधा 18 और 11, एडवांस 11 और 18, एडवांस 11 और ये 18, टोटल आपको कितना मिला था, ये जा आ गया जी 2,10,000। ये देखो जी 2,10,000, ये बैंक में लिख लो 2,10,000। और सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ कितना पैसा कभी नहीं आएगा, ये कहाँ गया, ये रिटर्न ऑफ 4,000 कभी नहीं आने वाला। और ये डाटा कंप्लीट हो गया, आपको टोटल करके ये बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। ये कितना हो जाएगा जी, इंक चेंज कर लो, 31,000 और 2,10,000 को ऐसे ही रहने दो, बाकी का टोटल कर लेते हैं 13 और 4, 17, 35,000 ये हो जाएगा जी, 35 और 4,000 बचो, 2,10,000 में 4,000 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2,14,000 आंसर आ गया, जो अमाउंट सब्सक्रिप्शन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। ओके,
थैंक्स फॉर वॉचिंग. ओके बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आ सकता है. अगर आपने इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ का किसी भी तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये क्वेश्चन है TS ग्रेवाल का जो सैम्पल पेपर है 2020 का, उसमें फर्स्ट सैम्पल पेपर में यह क्वेश्चन है और क्वेश्चन मैं दम है. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अगर आप सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इसको दो मेथड से अटेम्प्ट करें ओनली. या तो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच की टेबल से अटेम्प्ट करें या फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर. दोनों ही मेथड से मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताता हूं. सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से. फर्स्ट मेथड, ओके चलिए शुरुआत करते हैं और टेबल बना लेते हैं. ये बना ली हमने टेबल. अब आप देखते हैं कि क्या क्या डाटा इसमें गिवन है. सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को टॉप पे लिख लें. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला है, सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं. 7,80,000 7,80,000 को हमने लिख लिया. अब आपको क्या करना है, सेकेंड आइटम आपको लिखना है एड एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर ऑफ करंट ईयर ओनली. आपको लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला था वो मिला था 35,000. 35,000 और हमारा ईयर चल रहा है 1920 का बनाना है हमें, तो 2019-20 और 2020-21. लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको लास्ट ईयर एडवांस मिला था उस 35,000 में 15,000 उससे भी आगे ईयर का है. 2019-20 का कितना बचा, ओनली 20,000. तो ये जो 35,000 है उसमें से आपको 15,000 हटाना होगा, क्योंकि हमारा मेथड कहता है कि जो लास्ट ईयर जो एडवांस रिसीव हुआ है उसमें से आपको उतना ही लेना है जितना करेंट ईयर का है. तो 20,000 हम कर लेते हैं एड अप. नेक्स्ट आइटम है हमारा एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर, तो आपको सीधा ही माइनस करना है. तो इस साल हमें जो एडवांस मिला है ये मिला है 30,010, टोटल हो गया 40,000 माइनस हो जाएगा. अब आगे आते हैं आउटस्टैंडिंग पर. अब आपको लेना है लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर, यानी कि तो लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर, ओनली उतना ही आपको लेना है. तो आप यहां देखें ये आपको कितना रिसीव हुआ है, 7,80,000. इस 7,80,000 में लास्ट ईयर का आपको 20,000 मिला है, तो आपको यही लेना है. 20,000 को आप माइनस कर देंगे. अब जो फाइनल इंपॉर्टेंट हमारा अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. यही अमाउंट मुश्किल है इसके अंदर. ओके, सबसे पहले देखते हैं कि इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है. इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 50,000. ये जो 50,000 का अमाउंट है, चलो इसको यहां कैलकुलेट कर सकते हैं हम. ये हमारे पास ये बॉक्स बना लेते हैं, यहां कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो हमारा जो टोटल आउटस्टैंडिंग है इस ईयर का, इस ईयर का नहीं,
एज एट 31 मार्च का 31/3/2020 कितना है 50,000। तो इस 50,000 में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कुछ आने से अगर रह गया है वो इसमें इंक्लूड होगा। अब आपने क्या करना है, इस 50,000 में से ये जो प्रीवियस ईयर का है ये कैलकुलेट करके माइनस कर देना है और जो बचेगा उसको यहां पर आपको लिखना है। लास्ट ईयर जो टोटल आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स वो कितना था 40,000, और इस 40,000 में से 20,000 ये आपको रिसीव हो गया, बचा कितना 20,000, और 20,000 में से भी बोल रहा है 15,000 कभी भी आपको रिसीव नहीं होगा, बचा कितना 5,000। तो ये 5,000 आपने इसमें इंक्लूड किया होगा जब आपने एज एट 31 मार्च का डाटा कैलकुलेट किया होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि 5,000 प्लस 45,000, तो इस ईयर का ओनली 45,000 है और ये हमें यहां लेना है और इसको हमें एड अप करना है। तो टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा जी 60, 45 और 20, 65 और ये 60, ओनली 5,000 आ रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,85,000 जो कि हमें